नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज याद आ गई है केबीसी ग्लोबल लिमिटेड की, कारदा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसका, क्योंकि ये शेयर एसएम के भी लिस्ट में शामिल है, लॉन्ग टर्म के लिस्ट में। और मैं अभी देखा, हालांकि एक दो वीडियो में बताया हूँ आपको कि इसी आज कल एक दो दिन के अंदर इसको बाहर आ जाना है लॉन्ग टर्म के लिस्ट में, मतलब पीरियड इसका जो है साइकिल रिव्यू वाला आज पूरा हो रहा है। लेकिन देखते हैं कि ये बाहर आता है कि नहीं आता है, अब तो ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं लिस्ट देख भी रहा था, एसएम की लिस्ट अभी नहीं आई है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज केबीसी ग्लोबल लिमिटेड में 2.5% की तेजी देखने के लिए मिली है, वहीं पे बात करेंगे। आज इसमें टोटल 1,23,00,000 वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ है, जो टोटल वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 2.5 करोड़ रुपए के शेयर आज जो है खरीदे और बेचे गए हैं। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे दोस्तों, तो 44% के आसपास का इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है, और ये बिल्कुल 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रहा है। 9 अप्रैल 2024 का एक अपडेट इसमें देखने के लिए मिल रहा है, और ये अपडेट कल आया था 18:43 पे, मतलब शाम को 6:30 बजे 6:45 बजे के आसपास आया था। अब ये कंपनी क्या कह रही है वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं पढ़ के समझा देता हूँ आप लोगों को, बता देता हूँ कि क्या है, अगर हो सकता है आपको समझ में आ जाए। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि गुड़ी पड़वा के अवसर पर, अब ये त्यौहार है ये जो अभी बीता है ना, नवरात्रि की शुरुआत दिन, उस दिन गुड़ी पड़वा कुछ करके महाराष्ट्र में वो सब मनाते हैं, तो वहाँ से बताया जा रहा है कि के अवसर पर कंपनी ने कर्मयोगी नगर नासिक महाराष्ट्र स्थित आवासीय स वाणिज्यिक परियोजना हरिकुंज में फ्लावर, ये कुछ परियोजना है हरिकुंज में फ्लावर, पंजीकरण संख्या इनका इनका इतना इतना दिया गया है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि परियोजना की 54, यहाँ पे 54 इकाइयों का कब्जा सफलता पूर्वक जो है सौंप दिया गया है, तो कुछ इनको बनाने के लिए दिया गया होगा या कुछ भी, उस 54 जो है इकाइयाँ सौंप दी गई है, ठीक है ना। तो ये एक खबर निकल के सामने, इस मतलब मुझे समझ नहीं है कि क्या 54 दिया गया है, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे नंबर ऑफ लार्ज डील की, तो 17 नंबर ऑफ लार्ज डील देखने के लिए मिल रही है, और अगर ओपन करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 10 10 लाख 20 20 लाख, 10 10 लाख 20 20 लाख के कई बार यहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे गए हैं, आप लोग देख सकते हो। और इतना ही लास्ट डील मिला लेंगे तो लगभग लगभग हम लोगों का आ जाएगा 1.5 2 करोड़, तो यहीं आ जाएगा लास्ट डील ही आ जाएगा, तो देख लीजिएगा। अब ये एसएम के लिस्ट में शामिल है, ये कब शामिल हुआ था, तो देखिए लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में अभी स्टेटस इसका है, लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में ये एंट्री का डेट इसका दिखाई दे रहा है हम लोगों का 9 जनवरी 2024 का, मतलब इसी 24 में ही 9 जनवरी के आसपास ये जो है शामिल हुआ था, और अभी तक ये एक्टिव है। अब देखिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है 90 दिन कंप्लीट करना, 90 दिन इसका आज ही पूरा हो रहा है, हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन सीधा सीधा जोड़ेंगे तो आज ही आ रहा है। जैसे कि देखिए आज क्या, कल ही आया था इसका, जैसे कि 9 जनवरी के बाद 3 महीना जोड़ेंगे तो 9 फरवरी 1 महीना हो जाएगा, 9 मार्च 2 महीना हो जाएगा, और 9 अप्रैल 3 महीना हो जाएगा। तो 9 अप्रैल इसका कल ही डेट था, और कल ही इसको जो है बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो हो सकता है 1 2 दिन इधर उधर भी होता है, ऐसा चलता है, और कैलकुलेशन में भी 29 31 का महीना आ जाता है, तो उसकी वजह से, तो देखते हैं कि आज बाहर आता है कि नहीं आता है। आएगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को इसका बता दूंगा कि आया है नहीं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, या फिर कमेंट में भी पिन कर दूंगा, चलिए आया होगा तो, नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए कारदा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में जो है 2% का तेजी देखने के लिए मिला है, और एक बार के लिए मुझे लग रहा था कि ये अपर सर्किट भी टच किया है, अब तो पता नहीं, हाँ ये यही इसका अपर सर्किट लोअर सर्किट यही है। कितना इसका अपर सर्किट था, 2 रुपये 10 पैसे अपर सर्किट था, और 1 रुपये 90 पैसे इसका लोअर सर्किट था, तो टच तो मेरे हिसाब से नहीं किया है, कि पता नहीं किया है, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। और ठीक है, अभी देखिए इसका क्या मेरा व्यू है वो मैं बता दूं, कंटिन्यू गिरावट आई है, कंटिन्यू बहुत दिनों से गिरावट इसमें देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अभी आप लोग इसमें रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 रुपये 4.5 रुपये के टारगेट के लिए अगर आप लोगों को इसमें क्वांटिटी ऐड करना है तो बस उतना ही क्वांटिटी, देखिए ये सब हीरो जीरो वाले ट्रेड होते हैं, ऑप्शन हीरो जीरो करते हो ना, तो ये सब भी हीरो जीरो वाले हैं, मतलब अगर आपको इसमें
कह रहे हैं कि 10,000 रुपया लगाना है और इसमें आपको 2,000 रुपये का रिस्क लेना है या फिर कह रहे हैं 4,000 रुपये का रिस्क लेना है, तो 10,000 मत लगाइए ना, वो 4 ही हज़ार लगाइए केवल। मतलब जितने का रिस्क लेना है ना उतने का ही स्टॉप लो, मतलब जो आपका, जैसे कि अभी मान लेंगे कि 2 रुपये पे खरीदेंगे और 1 रुपया के नीचे चला जाएगा तो बेच देंगे, तो इसका मतलब आप 50% का रिस्क ले रहे हैं। 50% आप पैसा ही लगाइए, रिक्स छोड़ दीजिए, काम खत्म करिए। 10,000 लगाना है 5 ही हज़ार लगाइए, 20,000 लगाना है 10 ही हज़ार लगाइए, लेकिन उतना ही लगाइए कि फिर वो स्टॉप लॉस लेने वाली बात ना पड़े। खरीदे, छोड़ दिए, काम खत्म कर दो, हो गया, बढ़ेगा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, काम खत्म, ठीक है ना। तो 4 रुपये के टारगेट के लिए 2 रुपये पे खरीदारी कर सकते हैं इसमें, और मिलेगा तो 2 रुपये, नहीं जाएगा तो 2 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा। हालांकि अगर ये हम मुड़ेगा यहाँ से ना, तो अगर बिजनेस का अभी तो देखना पड़ेगा, फंडामेंटल सही रहा तो टेक्निकली ये जो है वीकली चार्ट पे कुछ ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा है, और यहाँ से ये जो पैटर्न है ना वो बना रहा है, और पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इस तरह से एक पैटर्न बना रहा है, और इसको कंप्लीट करेगा तो फिर ये किसी तरह से तेजी देखने के लिए मिलेगी। 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये तक भी जा सकता है, जुगाड़ धर लिया तो भाई, पैटर्न काम कर गया तो देख लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।